Yes, supplementary. Before that, sir, I would like to say that we have given a short duration discussions notice for by all parties on the new education policy, sir, that should be taken up on Monday. Sir, my question is, sir, जब उर्दू की बात होती है वहीं मिर्जा गालिब का नाम आता है. हम लोग सब गालिब को पसंद करते हैं, लेकिन 1969 में जब गालिब सदी तकरीबात मनाई जा रही थी उस वक्त ताहिर रिजवानी ने कहा था, जिस अहद सियासत ने जिंदा जबा कुचली उस अहद सियासत को महरूमों का गम क्यों है. गालिब जिसे कहते थे उर्दू का ही शायर था, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पर करम क्यों है. सर, आज भी लगभग यही हालात है और ये सौतेला सुलूक जारी है. मेरा सवाल है कि किसी भी जबान को बचाने के लिए जरूरी है कि उसे रोजी रोटी से जोड़ा जाए, लेकिन सरकारी और गैर सरकारी और सरकारी ताउन से चलने वाले उर्दू मीडियम स्कूलों की पूरे मुल्क में बहुत बुरी हालत है. एक तरफ उन स्कूलों में टीचरों की जगह खाली है और दूसरी तरफ उन खाली असामियों को सिर्फ एससी एसटी उम्मीदवारों से ही पूर्ण किया जा सकता है. सर, बेशतर एससी एसटी उम्मीदवार उर्दू जानते नहीं और जो लोग उर्दू से वाकिफ हैं उनको ये नौकरियां नहीं मिल सकती. ऐसी सूरत हाल को हल करने के लिए मंत्रियों को क्या करेंगे? हाउ मच टाइम? सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं. मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ. सर, बंगाल में जब मां माटी मानुष की सरकार आई उसने उर्दू के फरोग के लिए बहुत काम किया है. सर, दिसंबर 2012 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में तरमीम करके उर्दू के साथ साथ पांच दीगर जबानों को भी उसका जायज हक दिया. बंगाल में उर्दू जबान बंगला के साथ रहते हुए जिस तरह परवाज चढ़ रही है, इस बात का इजहार है कि हिंदुस्तान की सभी जबानें एक दूसरे की ताकत हैं. सर, मगरिब बंगाल उर्दू एकेडमी का बजट पिछले पांच सालों में 96 लाख से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया गया. इस मांग के साथ कि एनसीपीयूएल के बजट में भी इजाफा किया जाए. मंत्री जी से मेरा सवाल क्या सरकार मूल गिर पैमाने पर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने के बारे में सोच रही है? सरकार चाहे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, जबान के लिए भी, ज्ञान के लिए भी, विज्ञान के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए. ओके, शिक्षा.